हेलो गाइस, मैं वरुण नाम मैंने आपका स्वागत करता हूँ मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है ऑल टाइम फट्टा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांच ऐसे लॉन्चर जो आपको डाउनलोड करने चाहिए, और अगर आपको डाउनलोड करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला ऐप है उसका नाम है TVF लॉन्चर, जो कि आपको 9.08 MB का मिल जाएगा। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लीजिए कितना नाइसली अच्छा सा इंटरफेस है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्वाइप के गेस्चर मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको पिंच वाला करवाना हो पिंच करके, तो अलग अलग आपको गेस्चर मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको ऑल ऐप्स सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ऑल ऐप्स मैंने ये सिलेक्ट करा, तो ये मैंने पिंच आउट वाला सिलेक्ट करा है। तो जैसे ही मैं पिंच आउट करता हूँ तो देख लीजिए आपको सारे ऐप्स आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें, और आपको इसमें कई सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। तो जैसे मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको, जैसे ये मैंने सिलेक्ट करा तो अलग अलग आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे इसमें आपको। अलग अलग आप इफेक्ट करके आपको रोज़ आप नए अच्छे फीचर्स ला सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो थीम्स, आप अलग अलग थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। आपको एक बड़ी सी क्लॉक मिल जाती है, आपको पेज का ट्रांजैक्शन मिल जाता है, डेस्कटॉप का ट्रांजैक्शन मिल जाता है, ऐप्स शो करने का ट्रांजैक्शन मिल जाता है, कई सारे आपको चीज़ें मिल जाती है। तो आपको ये TVF ऐप का भी आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे शो करने का, किस प्रकार आप उसको शो करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ट्रांजेक्शन्स है इसमें। ये हिलने डुलने वाले हैं अलग अलग सारे 3D टाइप जैसे हैं, और ये आपका लिस्टिंग का है कि आपको लिस्टिंग में कैसे चाहिए, लिस्ट वाइज चाहिए, कर्व्ड चाहिए, अलग अलग आपको चीज़ें मिल जाती है। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा वो कह सकते हैं लॉन्चर है ये। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट लॉन्चर यही है। तो गाइस जल्दी से जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लॉन्चर मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बाकी सारे लॉन्चर से तो बहुत ही अच्छा है। कई सारे आपको इसमें चीज़ें मिल जाती है, बता ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको इसमें ऐप्स की स्टाइल भी अलग मिल जाती है, जैसे कि आप ऊपर शो करेंगे, और अगर आप यहाँ पे कोने में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट्स के, और बाकी सारे आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम्स के, गेस्चर्स के, स्क्रीन रोटेशन के, काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल जाती है आपको। ये देख लीजिए, ये अलग अलग इफेक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको ऐप्स में शोज करेंगे अगर आप चेंज करेंगे तो। जैसे सिलेंडर, मैंने अभी ये सिलेंडर सिलेक्ट करा, ये मैंने कोई कोई सा भी था, ये सर्कल सिलेक्ट करा मैंने, तो मुझे वैसे तो ये पसंद आया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे बाकी कई सारे आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट मिलते हैं, जो कि आपको डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, आपको पहले से ही इसमें मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कई सारे प्रेफरेंसेस ये सब भी मिल जाते हैं, अलग अलग आपको इसमें चीज़ें मिल जाती है। तो गाइज ये ऐप तो बहुत अच्छी, देख लीजिए आपको यहाँ पे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टाइमर सिलेक्ट करने का मिल जाता है। आपको यहाँ पे फीचर्स में चले जाएँ, थीम्स में चले जाएँ, कस्टमाइज़ में चले जाएँ, तो आपको कई सारी चीज़ कस्टमाइज़ करने का ऑप्शंस आ जाते हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छा ऐप है, देख लीजिए आप, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर जाके डाउनलोड कीजिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऐप है। तो गाइस जो सेकेंड ऐप है उसका नाम है एटम लॉन्चर, जो कि आपको 6.58 MB का मिलता है, जिसमें मैंने एक थीम लगा के रखी है। और थीम इसमें मैंने थीम नहीं लगाई, इसमें अभी मैंने पीछे वॉलपेपर लगाया है। तो अगर आपको इसमें, वैसे थीम का वॉलपेपर है तो अगर आपको वो भी डाउनलोड करना है तो वो भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका नाम है डूडल लॉन्चर। तो जैसा कि मैं डूडल लॉन्चर आपको आगे ओपन करके बताऊंगा, तो ये थीम सिलेक्ट करने का है, तो आप वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी हटा दी है वो वाली थीम अभी, तो ये मैंने सिंपल सरफेस रख लिया है अपना, वो वाली थीम का वॉलपेपर मैंने हटा दिया है, सिंपल वॉलपेपर रख लिया है। तो इसमें भी आपको कई सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, आपको इसमें
रैम क्लीन करने का मिल जाता है इनबिल्ट ऑप्शन। ऐप्स के शो करने का तरीका बहुत अच्छा है, ऊपर आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं, एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है और आप इसको एडिट कर सकते हैं आपके चॉइस वाइज, आपको कहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऐप्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये भी, अच्छा लॉन्चर है। आपको ऊपर डेट बैटरी ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ही आप ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन बार हट जाता है, देख लीजिएगा अभी। जैसे नोटिफिकेशन बार हटा रहा, मैंने ऊपर करा स्वाइप अप करा तो नोटिफिकेशन बार हट जाता है, एक बार करके बताऊंगा मैं अभी। तो मैसेजिंग आप इसको यहाँ पे भी अलग अलग पूरे नीचे आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप मीनू को तो हटा नहीं सकते हैं। तो गाइस जो थर्ड ऐप है उसका नाम है ऑफ लॉन्चर, जो कि आपको 16.454 MB का मिल जाता है। तो इसमें आपको थीम्स का ये थीम आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, आप स्वाइप जहाँ जहाँ पे आपको स्वाइप करते हैं आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ही मैंने लेफ्ट स्वाइप करा आपको कई सारे कैटेगरीज में आपको ऐप्स मिल जाते हैं, कैटेगरीज में ये आपको ऐप्स डिवाइड कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको डिवाइड करने में ऑप्शन करेगा कि आप अलग अलग ऐप्स हैं, और आप अपना यहाँ पे अलग कोई से जैसे आपका होम होम था तो आप अलग नाम रख सकते, जो भी आपको नाम रखना है आप वो रख सकते हैं। तो पता नहीं मैंने बैक करा था क्योंकि पता नहीं ये चाइनीज़ में आ गया है, तो पता नहीं कैसे हुआ है, लेकिन आपको ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे ऐप्स सारे मिल जाते हैं, ऐप ड्रॉवर है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा सा इंटरफेस है। आपको यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर्स टाइप्स मिल जाते हैं, तो ये वॉलपेपर अच्छे, जैसे मेरे को जैसे 3D पसंद है तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने 3D वॉलपेपर सिलेक्ट कर लिया है। और आपको यहाँ म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं जो कि एक अच्छा शॉर्टकट है। यहाँ पे आपको गूगल का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे गेस्ट प्रेफरेंसेस मिल जाती है और आपके फ़ोन्स की सेटिंग मिल जाती है और गाइड मिल जाती है। आप यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन भी हटा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन हट गया है, फिर से आप उसको वापस ला सकते हैं। ऐसे ही कई सारे ऑप्शन आप हटा सकते हैं, जैसे गूगल सर्च का भी आप ऐसे करके हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इन्होंने प्रोवाइड करी है। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया था डूडल लॉन्चर के बारे में, तो मैं अभी आपको डूडल लॉन्चर लगा के बताऊंगा, देख लीजिए। आपको यहाँ पे जैसे आप और लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छी कैटेगरीज मिल जाती है, आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाती है सिलेक्ट करने को। जैसे मैंने स्टाइल चेंज करी, देख लीजिए आपका ये थीम थोड़ी सी चेंज हो गई है, फिर से अगर आप उधर चेक करेंगे तो आपकी फिर से थीम चेंज हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा सा इंटरफेस है, और अगर आपको और चीज़ें थीम्स डाउनलोड करनी है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको आपके जो यहाँ पे नेम्स हैं आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटीज़ है तो उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आप अपने पर्सनल हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कई सारे अपने मन मुताबिक आप इसमें वॉलपेपर लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने गैलरी में से वॉलपेपर लगाने हो तो आप गैलरी में से भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा सा ऐप है। तो गाइज जो फोर्थ ऐप है उसका नाम है गो लॉन्चर, जो कि आपको 13.10 MB में मिल जाता है। तो इसमें मैंने डूडल लॉन्चर के एक थीम लगा के रखी है, तो आप वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमको डूडल लॉन्चर का आपको लगा के बता देता हूँ, आप जैसे स्वाइप लेफ्ट करेंगे आप एक्टिव करनी है आपको थीम, आपको इसमें थीम एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो जैसे ही आप इसमें थीम एक्टिव कर लेंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। पता नहीं कि इसमें अभी वॉलपेपर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से इंटरफेस मिलता है, आप इसमें गो स्टोर में जाके कई सारे थीम्स, होम की थीम्स, अलग अलग आपको चीज़ें डाउनलोड करने को मिल जाती है, फॉन्ट्स अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपको ट्रांजेक्शन्स अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे आपको इफेक्ट की बात की जाए, मैं एक और बार फिर से आप डूडल लॉन्चर लगाने की ट्राई करता हूँ, होप करता हूँ इस बार लग जाए, क्योंकि थीम एक्टिवेटेड तो बता रहा है लेकिन थीम एक्टिवेट नहीं हो रही है, क्योंकि इसका वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा था। थीम तो एक्टिवेट है लेकिन इसका वॉलपेपर बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है, तो
वो पता नहीं मेरे को क्यों, लेकिन मैं ट्राई करके, आप करेंगे तो हो जाएगा। आपको यहाँ पे चेंज थीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए आप ये वॉल, कई सारे थीम्स आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थीम चेंज करी तो देख लीजिए, यहाँ पे थीम्स का साइन, गैलरी का साइन, वॉलपेपर का साइन सब चेंज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, देख लीजिए, जैसे आपको सर्कल्स का इफेक्ट, सिलेंडर इफेक्ट, स्नेक इफेक्ट, और यहाँ पे आपको अलग अलग वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ऐप ऐड्स कर सकते हैं आपके होम स्क्रीन पे, आप यहाँ पे विजेट ऐड्स कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट्स रहेंगे आपके, और काफ़ी अलग अलग विजेट्स रहेंगे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। आप जैसे ही स्वाइप अप करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सेटिंग्स, न्यू फोल्डर, हाइड ऐप। आपको यहाँ पे ऐप लॉक भी मिल जाता है, तो ऐप लॉक से आप अपने ऐप्स में पासवर्ड डाल सकते हैं, तो ये भी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जैसे ऊपर करेंगे तो आपको रीसेंट्स ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, गेम्स का अलग आपको मिल जाता है, आप उसमें गेम्स ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज का अलग आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप उसमें सर्विसेज के ऐप्स ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे टास्क किल करने का भी है, ऐप रनिंग किल करने का, बूस्ट बूस्ट का है सॉरी, लेकिन इससे कुछ होता तो नहीं है कोई से भी इसमें, और मुझे ये पता नहीं ये है क्या, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, लेकिन ये शो के लिए है। ये देखते हैं डेंडी, ये मुझे समझ नहीं आया, डेंडी लेना पता नहीं क्यों उड़ते रहते हैं ये। ये आप जेड कैमरा है, ये बहुत अच्छा कैमरा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है कैमरा है, जो आपको DSLR जैसे कैमरे में, जैसे फ़ोटो खींचने में मदद करता है। आपको यहाँ पे ऐप्स बहुत अच्छे दिख जाते हैं, जैसे मैं अभी डूडल डूडल लॉन्चर लगा के बता देता हूँ आपको इसमें, फिर डूडल लॉन्चर अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डूडल लॉन्चर में लगा दूंगा, पूरी थीम्स चेंज हो जाएगी, देख लीजिए कितना मस्त थीम हो गई है। अभी मैंने यहाँ पे सर्कल का इफेक्ट लगा के रखा है, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ ऐप है उसका नाम है जेन UI लॉन्चर, जो कि आपको 16 MB का मिल जाता है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे जैसे ही आप स्वाइप डाउन करते हैं, आपको कीवर्ड्स डालने का मिल जाता है, जैसे अगर आपको कोई से ऐप्स डायरेक्ट ओपन करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके ओपन कर सकते हैं। आपको अगर नेट हो तो ट्रेंडिंग सर्चेस, या फिर अगर बिन नेट के आप ट्रेंडिंग सर्चेस देख सकते हैं। अभी इसमें सिंपल ट्रांजेक्शन लगा के रखा है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। आपको ऐप्स का अलग मिल जाता है, विजेट्स का ऑप्शन अलग मिल जाता है, और ये अच्छी बात है कि आपको ये मीनू में जाके मिल जाता है, आपको कोई क्लिक करके रखना नहीं पड़ता है, तो अच्छी बात है, ये अच्छा ऑप्शन है। आपको मैनेज होम पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐप्स, विजेट्स, होम, एजेट, वॉलपेपर, काफ़ी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आइकन्स पैक मिलते हैं, वॉलपेपर मिलते हैं डाउनलोड करने के, वॉलपेपर, आइकन पैक्स, अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो आप वॉलपेपर इसमें से जाके डाउनलोड कर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी मैं फिर से डूडल लॉन्चर लगा रहा हूँ इसमें। आप इसमें आइकन पैक्स जो कि है वो काफ़ी सारे ला सकते हैं, जो कि आपका लुक्स चेंज कर देंगे आपके फ़ोन का। प्रेफरेंसेस में देख सकते हैं आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, होम स्क्रीन में जाके आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, स्क्रोलेबल वॉलपेपर कर सकते हैं, ऐप लॉक डाल सकते हैं आप उसको, इसमें ऐप लॉक डालने को मिल जाता है कि आप अपने ऐप्स में ऐप्स में आप लॉक डाल सकें, ताकि कोई और कोई भी खोल ना पाए, तो ये काफ़ी एक अच्छा सा है।
सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐप्स और टेक न्यूज़ डेली डेली लाता रहूँगा। तो गाइज, जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।